अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 9। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको कॉमनली D1 भी बोलते हैं, और ये जो चैप्टर चल रहा है ये है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नंबर पैटर्न्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। हमें एक नंबर पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, ये ऊपर से लेकर यहाँ 208 इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई के प्लस 3 यहाँ तक एक नंबर पैटर्न जो है हमें दिया गया है। हमने इसका पैटर्न खुद ही ढूंढना है कि किस पैटर्न को फॉलो करते वक्त यहाँ तक पहुँच। ये जो k इंटू के प्लस 3 लिखा हुआ है ये इसकी जनरल टर्म भी दे दी गई है, यानी हमें इसमें जनरल टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे पहले से गिवन है k टाइम्स k प्लस 3। तो इस पैटर्न को देखते हुए हमने ये बताना है, सबसे पहले राइट डाउन द सिक्स लाइन इन द पैटर्न, कि इस पैटर्न के अंदर सिक्स लाइन क्या होगी। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसके बाद फिफ्थ और सिक्स लाइन आएगी। वो हमने दोनों लाइन्स जो है निकालनी पड़ेंगी, वो हमने यहाँ पर बतानी है। तो पहला पार्ट होगा, हमें सिक्स लाइन बतानी है इस पैटर्न में क्या होगी। जाहिर बात है फिफ्थ लाइन पता होगी तो उसी की मदद से सिक्स लाइन आप बता सकेंगे। और दूसरा है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के, तो वैल्यू ऑफ़ के भी हमने बतानी है और वो डिड्यूस करनी है, यानी उसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम जिसको देख के ही पिक कर लेंगे, डिड्यूस कर लेंगे कि वो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और वो यहाँ पे के नज़र आ रहा है तो जाहिर बात है इसी इक्वेशन से 208 इज इक्वल टू के टाइम्स के प्लस 3 से वो निकलेगी। तो पहला काम है इस पैटर्न को समझना, ये क्या पैटर्न है। उस पैटर्न को जब हम समझ लेंगे तो आराम से उसकी सिक्स लाइन बता देंगे, और उसके बाद जब सिक्स लाइन वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर हम ये के की वैल्यू भी आसानी से निकाल कर दिखा देंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का जो पैटर्न है यहाँ पे लिख लिया है, और ये लाइन नंबर 1 है, इसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि लाइन नंबर 1 है। तो ये लाइन नंबर 2 कहलाएगी, ये लाइन नंबर 3 कहलाएगी, ये लाइन नंबर 4 कहलाएगी, इसके बाद 5 और 6 लाइन आएगी, और फिर कहीं चलते चलते लास्ट लाइन 208 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ के प्लस 3 आएगी। अब सबसे पहले हमने काम करना है इसका पैटर्न ढूंढे कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसकी दोनों साइड्स को हमें देखने की ज़रूरत है। तो आप ये वाली अगर साइड देखें जो कि राइट हैंड साइड है, तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बहुत सिंपल है कि हर मर्तबा 1 ऐड हो जाता है। 1 में 1 ऐड करें 2 बन जाएगा, 2 में 1 ऐड करें 3 बन जाएगा, 3 में 1 ऐड करें 4 बन जाएगा। तो ये पैटर्न, तो इस वाली लाइन का पैटर्न तो हमें आराम से पता चल रहा है कि इसकी अगली लाइन होगी 5 और उससे अगली लाइन होगी 6। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजिली हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिखूँ, ठीक है, कि इक्वल टू का साइन डालूँ, ये लाइन नंबर 5 होगी बेसिकली, तो 3 4 अगला नंबर होगा 5। तो ये देखिए, मैंने ये तो लिख लिया इजीली। अब इसकी बात करते हैं, सब में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो जाहिर बात है यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होगा। तो अब इधर देखें तो ये लिखा हुआ है 4 5 6 7, ये भी कंजेक्टिव नंबर्स हैं। 4 में 1 ऐड करें 5, 5 में 1 ऐड करें 6, 6 में 1 ऐड करें 7, तो जाहिर बात है 7 से जो नेक्स्ट होगा वो लाजमी 8 ही होगा। तो यहाँ पे आएगा 5 क्रॉस 8। तो देखिए, ये वाली साइड हमने बहुत इजीली गैस कर ली है लाइन नंबर 5 की। याद रहे ये 1 लाइन है, लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इससे नेक्स्ट लाइन हमने निकाल के दिखानी है, लेकिन उसके लिए हमें ये लाइन पता होनी चाहिए। अब रह गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे नंबर जो हैं वो रैंडमली अपीयर हो रहे हैं, वैसे दिखने में लग रहे हैं, कंजेक्टिव नहीं है बिल्कुल। तो आपको जब इस तरह के नंबर्स मिलें तो आप इनको एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करके देखा करें, तो इससे आपको पता चलेगा कि इनमें जो फ़र्क आ रहा है वो किस तरीके से जो है ना यहाँ पे किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे देखें, ये 4 लिखा हुआ है और ये 10 लिखा हुआ है, आप हमेशा ये यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस के अंदर, पैटर्न के अंदर, ये चीज़ लाजमी देख लिया करें, अक्सर सीक्वेंस इससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट नंबर होता है उसमें से प्रीवियस नंबर को माइनस करें, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस से माइनस करें, 18 माइनस 10 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8, और फिर 28 माइनस 18 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10। तो आपको यहाँ से पैटर्न समझ आ रहा होगा कि ये पैटर्न है 6 8 10, हर मर्तबा 2 ऐड हो जाते हैं। जैसे 6 था यहाँ पे डिफरेंस, फिर वो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, और 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। इसका मतलब जो अगले दो नंबर्स में यहाँ पे पैटर्न आएगा ना, तो वो 10 के बाद क्या होगा, इसमें भी 2 ऐड कर दें, 12। तो अब ये वाला नंबर किस तरह लिखें, तो यही चीज़ आपको बताएगी कि ये वाला नंबर किस तरह लिखना है। तो आप देखें, 4 में 6, इसमें जो फ़र्क है बेसिकली वही ऐड करने से नेक्स्ट नंबर बन रहा होगा, यही इसकी बेसिकली कंसेप्ट होता है। तो देखिए, 4 में 6 ऐड करने से क्या बनेगा 10, 10 में 8 ऐड करने से क्या बनेगा 18, इसी तरीके से फॉलो हो रहा है ना। तो इसी तरीके से अगर आप देखें, 18 में दोबारा 10 ऐड करने से क्या बनेगा 28, तो 28 में लाजमी 12 करने से जो बनेगा वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो 28 में 12 ऐड करने से बनेगा 40, तो इसका मतलब आएगा यहाँ पे 40।
तो ये भी वैसे भी क्लियर था, 5 8 टाइम्स यहाँ पे 40 ही होना चाहिए था। अगर आपने एक साइड निकाल ली तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, लेकिन मैंने दोनों पैटर्न आपको निकाल कर बताए हैं, ये वाला पैटर्न भी और ये वाला पैटर्न भी। वैसे वो यहाँ से इनफ था कि 5 8 टाइम्स 40 ही होना है, ये मल्टीप्लीकेशन चल रही है। तो मैंने आपको दोनों पैटर्न बताए, क्योंकि और क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें जिसमें पैटर्न ढूंढना होता है ताकि आप लोग ईजी रहें। तो ये थी इसकी बेसिकली लाइन नंबर 5, लेकिन हमने पहले वाले पार्ट में लाइन नंबर 6 निकालनी है। तो अब लाइन नंबर 6 निकालने के लिए अब आपको पता चल गया इसका अगला नंबर क्या होगा, वो होगा 5 की जगह पे आ जाएगा 6, 8 की जगह पे आ जाएगा 9। तो 6 9 टाइम्स अब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा 54। तो इसका नेक्स्ट नंबर 54 होगा, और जाहिर बात है 12 अब यहाँ पे जो फ़र्क चल रहा था वो 2 ऐड हो रहा था, तो 10 के बाद यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 14 होगा, यानी 40 में 14 ऐड करने से आपको 54 मिल रहा होगा। तो देखिए ऐसा है भी कि 40 में 14 ऐड करें तो 54 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन थी आपके पास लाइन नंबर 6 थी, ठीक है, और वो आपने निकाल ली है। तो उसका आंसर आ गया है 54 = 6 × 9। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1, यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये बहुत सिंपल था, आप इसको इजीली भी गैस कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको हर दोनों साइड्स को पैटर्न के तौर पे समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बाकी क्वेश्चन में भी आसानी हो जहाँ पे पैटर्न डिफरेंट आता है। तो ये हो गया इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में आपने डिड्यूस करनी है वैल्यू, ठीक है, वो है के, आपने वैल्यू ऑफ के निकाल कर बतानी है। तो वैल्यू ऑफ़ के निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस पैटर्न पे के अपीयर कहाँ पे हो रहा है, तो वो इस वाली लाइन पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं, कहीं चल के यहाँ तक आएगी, तो इसलिए हम इसी चीज़ को डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे 208 = k, और यहाँ पर लिख लें k+3। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, वैसे अगर सॉल्व ना भी करें आप वैसे भी वैल्यू गेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व। के टाइम्स कितना हो जाएगा k², और k 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3k। देखिए एक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना k की वैल्यू क्या होगी, आप इसको अगर सॉल्व भी करें इक्वेशन के तौर पे 208 को यहाँ पे मूव कर लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इसके रूट्स निकालें तो आपको वैल्यूज गैस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे लव्ज यूज हुआ डिड्यूस करना, यानी इसी को देख के ही बस आपने बताने की कोशिश करनी है कि 208 किन कॉरस्पॉन्डिंग के वैल्यूज पे आपको मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप एक तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड कह लें। आप यहाँ पे के की कुछ वैल्यूज पुट करके देखें जिनको ऐड करने से 208 मिलता हो, वही वैल्यूज आपका आंसर कहलाएंगी के की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं के की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, याद रखिए जो के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं के की वैल्यू 13 पुट करता हूँ, तो देखें मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, के की वैल्यू मैं क्या फुट से पुट कर रहा हूँ 13, तो 13 का स्क्वायर यानी के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 13 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ के यानी 3 टाइम्स ऑफ 13। मैंने इस इक्वेशन में खुद से के की जगह पे 13 पुट करके देखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 208 और 13 का स्क्वायर होता है बेसिकली 169, बेसिकली आप 13 टाइम्स कर रहे होते हैं, और 3 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 26। तो 208 = 169 में 26 ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा वापस 208। तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो के की वैल्यू आपने चूज़ की थी वो बिल्कुल ठीक चूज़ की है। तो इसका मतलब है जो के की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलती है वो बेसिकली है 13। तो इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर हो गया के 13 होगा। तो के 13 यहाँ पे आप रखेंगे तो आपको 208 मिलेगा। तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही वैल्यू उसकी कहलाती है। तो के 13 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ के आएगी वो 13 आएगी। मैं बता चुका हूँ आप इसको वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करके भी के की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आपको यही करना पड़ेगा आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करें और जिस वैल्यू से आपको 208 मिलेगा यानी 13, तो वो इसका आंसर बनेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।